हाँ मम्मा, ये मम्मा, हाँ तो फिर चलते हैं, ओके व्लॉगर भाई में चलते हैं। तो वेल गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद सबको, जितने माही गेमिंग के फैन हैं, अंजलि और मुस्कान और जो बड़े लोग हैं, उन सबको बहुत दिल से यार धन्यवाद, क्योंकि भाई यहाँ तक ही पहुँचाने के लिए और हमारे ब्लॉगिंग चैनल को भी सपोर्ट करने के लिए और गेमिंग चैनल का भी सपोर्ट किया है, और माही गेमिंग आया तो बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। और लिटरली बताने वाला हूँ गाइस, आज हम टेस्ट करने वाले हैं अपाची RTR प्लस FZ से, और मतलब बहुत तगड़ा रेस है, मतलब फ्लैंक की रेस करेंगे, ज़्यादा कोई इसमें रेस हार जीतने का रेस नहीं, बस स्पीड टेस्ट करेंगे कौन जीतता है तो कौन नहीं जीतता है। और अभी हम लोग रूट पकड़ेंगे, बस ऐसे ही रेस है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट भाई यहाँ पे क्या हाईवे पे कैसी गाड़ी चलती है, अगर आप लोग आकर देखेंगे तो कहोगे भाई हाँ गाड़ी इसमें कोई मतलब तगड़ा ही है, ये ज़्यादातर के ट्रक की गाड़ी चलती है, और यहाँ पे सारे आग पास कर भाई आग फूल गए थे, और हम लोग का पूरा आग ही ब्लर हो गया था, पता नहीं साइड साइड से मिट्टी हो गया था, ऐसा सीन था। तब भी भाई हम लोग वहाँ से रुके नहीं, वहाँ से आगे बढ़ते गए, और वहाँ पे भाई ये था कि भाई सुबह से हम लोग सुबह ब्लॉग बनाए थे, शाम को बनाए थे ब्लॉग, तुम लोग थक गए थे तो ये खा भाई, हम कुछ खाएंगे पियेंगे, तो उसके बाद भाई अभी शहर में निकलेंगे, तभी क्योंकि अभी लोग बीच में थे, लखनऊ हाईवे पे, और लखनऊ हाईवे पहुंचने के बाद ये सीधा भाई जमा, तो भाई रेस हो रहा थी कि अब यहाँ पे रनवे भाई इतना तगड़ा था ना कि क्या ही बोला जाए भाई, हम लोग मतलब आगे जा रहे थे, पीछे जाते कभी आगे जाते पीछे जाते, ये सीन था भाई, मतलब कोई ये नहीं समझ रहा था जीतेगा कौन, ये बताना भी स्पीड टेस्ट में जीतेगा कौन, इसमें हो सके अपाची जीतेगी कि FZ जीतेगी अब पता नहीं, अब तो रेस होने के बाद ही पता चलेगा, अब वो रेस कब होगा आपको पता होगा। देखो एकदम मेन हाईवे पहुँच गए भाई, यहाँ तक चलेगी तो हम लोग रेस करना मतलब रेस करके चुप हो गए थे, और यहाँ पे अब खाने पीने की जगह खोज रहे थे कि भाई कहीं खाए पिया जाए, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो हम लोग को साइड में एक बड़ा सा लाइट वाइट दिखा था, तो हम लोग कुछ खाने वाला होगा, तो हम लोग वहाँ पे साइड में गाड़ी रोकते हैं, और ये इंटरफेस होता है कि भाई हम सोचते हैं कुछ खाएं, तो भाई हम लोग साइड में गाड़ी लगाते हैं, तो हमारे बंदे रुका कहते हैं अच्छी जगह चलते यार, फोन फोन पे चलता अच्छी जगह चलते हैं, फोन फोन पे नहीं चलते हैं। भाई साहब उन लोगों को पता नहीं क्या ही हो गया, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं खाएंगे ना कुछ पियेंगे, मतलब वहाँ ना कोल्ड ड्रिंक था ना कुछ, मतलब चाय की दुकान थी, तो वहाँ पे मना हो गया, मतलब हम लोग अब सिटी लिख लेंगे, गोरखपुर में जाएंगे, फिर गोरखपुर में कुछ बैठ के खाएंगे वाएंगे, तो देखो अभी कहाँ चलते हैं डिसाइड तो नहीं हुआ है, वैसे ही गाड़ी पे बात करते करते चलेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जाएंगे। तो देखो गाइस अभी ये गोरखपुर का सीन है, रात का 9 बज रहा है, ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि उधर हम लोग को रास्ता पता नहीं था, तो हम लोग उधर से इधर मतलब राउंड मार रहे थे हाईवे पे ही, तो उसके बाद दाम जाम हुआ, उसके बाद फिर हम लोग घर पहुँच गए, थोड़ा लेट हुआ, बट अभी देखो पहले तो ये सीन था गाइस कि हम वहाँ पे रेस करेंगे, और रेस भी नहीं हुआ क्योंकि भाई रात ज़्यादा हो गया था और ट्रकें ज़्यादा चल रही थी, तो हमने रेस नहीं किए, और बाद में रेस करेंगे सुबह में, और वैसे मन ही नहीं था, मतलब ऐसा सीन हो गया ना भाई रात में ट्रक व्रक चलना, तो भाई मना कर दिया, फिर हम यहाँ पे पहुँच गए थे और 4 पिज़्ज़ा में हम लोग पहुँच गए थे, फिर यहाँ पे थोड़ा खाते पीते हैं, तो अभी देखो YT के अंदर जा रहे हैं, YT के अंदर जाने वही अब ये बात हुआ कि राहुल ने पूछा कि ये सब सेटअप भी अभी लास्ट समय पहले बार हम लोग राइड पे निकले हैं तो क्या करें, तो फिर हम राहुल से बोले भाई करो यहाँ पे जो करना कर लो, क्या पूछ खाते पीते फिर वहाँ से निकलते हैं, तो भी हम लोग ऐसे ही सब सामान रख दिए और ऐसे ही बैठे थे, और बैठ के ये बात कर रहे थे कि अगला शूट पे कहाँ चला जाएगा, तो राहुल ने कहा कि इससे पहले मेरी अभी इसने कुछ सीन किया था कि इसके मतलब घर में प्रॉब्लम था कि नहीं आ पाएंगे, मतलब राहुल भाई बहुत काम रहता है वो सही से आ नहीं पाते हैं, तो हम लोग ऐसे यहाँ बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे, तो ये सीन था कि भाई अब देखो अब स्टॉप पे कहाँ जाएंगे, तो ये था कि अयोध्या जाएंगे शायद, अगर टाइम मिला तो, अगर सबको टाइम मिला तो अयोध्या लिख लेंगे, नहीं तो लखनऊ या अयोध्या लिख लेंगे अगले संडे को, वही अगर देखो अगली वीडियो का भाई पता नहीं, अभी देखो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, ये वीडियो में मैंने शूट बहुत पहले कर लिया था, तो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, अब देखो होता क्या है, यहाँ पे YT जी बहुत दिनों बाद आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे ब्लॉग में, और राहुल भाई भी बहुत ज़्यादा दिन बाद दिखाई दे रहे हैं,
और ये तो आपको दिखे ही होंगे, मतलब ज़्यादा इनके साथ ही ब्लॉग करने वाला हूँ क्योंकि ये बाइक राइडर है तो लंबा लंबा ले जाते हैं जहाँ ले जाते हैं, मज़ा आता है बाइक राइड करते हुए। वहाँ पर पिज्जा तो यहाँ पर भाई पिज्जा का सेट किया जाए क्या ही बोला जाए, तो वहाँ से हल्का फुल्का कुछ खाते पीते हैं फिर उसके बाद निकल जाते हैं। मतलब ये नहीं था, पहले तो भाई इतना सर दर्द हो रहा था, भाई कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ा था इसलिए हम लोग खा पिए। और उसके बाद ये अंकल से बोले भाई अंकल अब हम लोग आएंगे कुछ दिनों बाद आराम से पार्टी वगैरह करेंगे, तो अंकल बोले ठीक है। तो अब देखो होता क्या, और गाइज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अभी कॉल पे है माही और बाद में मिलते हैं आपसे।